आदाब नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका डेली बंगाल न्यूज में। आपको बता दें, टाइगर कप 2022 का इंतजार हुआ खत्म। आज टाइगर टर्फ में टाइगर कप 2022 का ग्रैंड ओपनिंग हुआ और इस ग्रैंड ओपनिंग को लेकर टीम टाइगर का क्या कहना है, देखते रहें पूरी खबर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइगर टर्फ को शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे जिसने हमारा वेन्यू स्पॉन्सर किया है, और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं इसमें इनका बहुत ही बड़ा हाथ है ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने में, और जितने भी यहाँ पे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, सबका इनका ये ऑर्गेनाइज करवाने में बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या लग रहा है, कितने क्लब का ये खेला हो रहा है? ये 16 क्लब का खेला है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, और बस ये यहाँ पे हम लोग ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं ताकि ये गेट टुगेदर हो जाए और सबके साथ एक फ्रेंडली माहौल बने। बहुत अच्छा सर, तो क्या लग रहा है कि जितने सारे स्पॉन्सर्स ने आपके जो लोग आपके पास भरोसा कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्सर का तो सबसे बड़ा हाथ है हमारा ये ऑर्गेनाइज करवाने में ये टूर्नामेंट। अगर स्पॉन्सर्स नहीं होते शायद आज ये टूर्नामेंट भी नहीं हो पा रहा होता। सो अपने स्पॉन्सर्स जितने भी है सबको अ वेरी बिग थैंक्स बोलना चाहेंगे, और जितने भी हमारे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उन लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आप लोग की वजह से ये टूर्नामेंट एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा टूर्नामेंट हो। और सर अब हम लोग बात करेंगे जो है यहाँ पे अर्बन एफसी के फरहान एफसी के जो है आसिफ भाई कैप्टन आप है, तो ये बताएं क्या लग रहा है कि ये नॉकआउट मैच, तो क्या लग रहा है कि नॉकआउट हो जाइएगा या फिर आगे बढ़ेंगे? देखिए इंशाल्लाह मैच जो भी टीम में सभी टीम यही सोचते हैं, अच्छा टीम बनाने का हौसला से सभी टीम करते हैं, कोशिश यही रहेगा मैच को जितने से अच्छा पीसफुली खेला जाए और मैच को स्किल्स के द्वारा मैच को प्रेजेंट किया जाए, बहुत पीसफुल मैच होगा इंशाल्लाह। आप लोगों सबको मज़ा आएगा मैच देखने में, और बाकी आपको जो है अगेंस्ट से भी जानने को मिल जाएगा कि उनको क्या। जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है जिनका वो है हम लोगों के रेफरी साहब, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये दोनों टीम यहाँ पर उतर चुकी है, इतना बड़ा टर्फ है कि जिस तरीके से खेला हो, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को थैंक यू कहूँगा जी। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को मैं थैंक यू कहूँगा और इस टाइगर टर्फ जो चलवा रहा है कि इस तरीका का प्रोग्राम सब नहीं लेता है। ये प्रोग्राम आने वाला दिन के लिए एक अच्छा प्रोग्राम है, आने वाला फ्यूचर और जो जवान लड़का लोग यंग लड़का बैच जो है वो बर्बाद हो जा रहा है, ये टूर्नामेंट से उन लोगों को दिखाना है कि सब खेल के तरफ आओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब बात करेंगे हम लोग अर्बन एफसी के क्या लग रहा है कि नॉकआउट या फिर आगे बढ़ेंगे आप? इंशाल्लाह फुटबॉल है, हार जीत का खेला है, अच्छा खेलेंगे जीतेंगे, बस यही कोशिश करेंगे जीतने का आगे। अगर जीतते हैं तो क्या लग रहा है, ये श्रेय पूरे टीम को जाएगी इंशाल्लाह सब। और टाइगर टर्फ के जो जिस तरीके से वेन्यू इतना बड़ा आप लोगों को ग्राउंड मिला है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा टर्फ है, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत बड़ा भी है, अच्छा खेल के मजा आएगा इंशाल्लाह। टाइगर कप रोर फिटनेस के जी सी आई गैलेक्सी अर्बन डेयरी फार्म और अलीना स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर यूबेरिका जमान कैटर्स रिमार्केबल रिमॉडलिंग और फैब्रिशिया और जेवी स्टाइल क्रिएशन होटल रॉयल गार्डन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं एक एक करके आपको सब दिखा रहा हूँ, ये सब स्पॉन्सर्स। कहना यही चाहेंगे कि ये मैच अच्छे से हो जाए, नो अग्रेशन, नो फाइटिंग, इस चीज़ के बिना। फ्रेंडली मैच है, फ्रेंडली की तरह खेलना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैच अच्छे से हो जाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या लग रहा है कि ये मैच आज जो है ऐतिहासिक टाइगर टर्फ का होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, लेकिन अच्छे वे में। सीजन इसका आता रहेगा, सीजन तो आता रहेगा, हर सीजन आएगा इसका। तो क्या सिर्फ फुटबॉल में आएगा या क्रिकेट? क्रिकेट में भी आएगा, हम लोग का प्लान भी है क्रिकेट कराने का, अगर इंटरेस्टेड है कोई, अगर ऐसे आने का कोई किसी को कराना है अगर यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली मैंने ये ग्राउंड एज अ फ्रेंड बोलिए, एज अ भाई बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए आप, उस हिसाब से उनको ग्राउंड दिया गया है, समझ लीजिए। मैं भी एक स्पॉन्सर ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि इस तरह का टूर्नामेंट हो यहाँ पे, तो
और पॉपुलैरिटी और जानना और यूथ लोग और इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर किसी को क्रिकेट कराना है वो मेरे से आए, कॉन्टैक्ट करे, वो कर सकते हैं। विकीज रिमार्केबल मॉडलिंग, डेली बंगाल न्यूज़, आई गैलेक्सी, अर्बन डेयरी फार्म, फैब्रिशिया, अंदान प्रिंटर्स एंड ट्रेडर्स, ड्रीम मोटो, कोलकाता जमान कैटर्स, और ये मेरा चैनल है द कोलकाता न्यूज़। आप देख सकते हैं जेवी स्टाइल, और ये मेरा दोस्त का चैनल है न्यूज़ लाइन कोलकाता भी है यहाँ पे। और आपको मैं दिखा दूँ कि अब अलीना ट्रेनिंग स्कूटी सेंटर, जो हमेशा से लेडीज़ टू लेडीज़, किसी भी लेडीज़ को अगर अलीना ट्रेनिंग स्कूटी सेंटर में अगर सीखना है स्कूटी में, तो आप इस अलीना स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर में आपके यहाँ पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इनके आप यहाँ पर अपने घर की लेडीज़ को आप यहाँ स्कूटी सिखा सकते हैं। जिसी है ये, आप देख सकते वी शेप होम, और सब बहुत, ये सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह जमान कैटर्स अर्बन डेयरी फार्म।